नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं साक्षी। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों पर। धमतरी में हुए एक सड़क हादसे में कार सवार मध्य प्रदेश के 6 लोगों की हुई मौत। इंडियन ऑयल के टैंकर ने मारी कार को टक्कर। खरगोन में जान जोखिम में डालकर मोटरसाइकिल चालक कर रहा था पुलिया पार, बहाव में मोटरसाइकिल समेत पानी में बहा जाना। शासकीय स्कूलों में शिक्षा के स्तर को लेकर चिंतित दिखी राजगढ़ कलेक्टर, स्कूल निरीक्षण के दौरान कलेक्टर खुद बनी शिक्षिका, बच्चों को दी अंग्रेजी व्याकरण की शिक्षा। धमतरी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही 5 युवकों की मौत हो गई जबकि एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। कार की इंडियन ऑयल के टैंकर से टक्कर हुई है। कार सवार सभी युवक मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। हादसे में घायल युवक को कुरुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई। वैगन आर कार में कुल 6 लोग सवार थे, सभी लोगों की मौत हो गई। यह हादसा कुरुट के नेशनल हाईवे पर हुआ। हादसे की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मंगलवार सुबह 11 बजे रायपुर की तरफ से इंडियन ऑयल का टैंकर आ रहा था। इसी दौरान टैंकर ने सामने से आ रही वैगन आर कार को टक्कर मार दी जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। मृतक के नाम परीक्षित पाल, शुभम द्विवेदी, राजा सरकार, नंदू गुप्ता, अभिषेक जायसवाल और ताहिर कुरेशी बताए जा रहे हैं। ये सभी युवक अनूपपुर के रहने वाले थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कुरुत की घटना के बारे में बताएंगे सर, एक्सीडेंट का। थाना कुरुत के अंतर्गत बाईपास रोड के पास नेशनल हाईवे में एक घटना हुई जिसमें रायपुर से जगदलपुर की ओर एक टैंकर जा रही थी और जगदलपुर से रायपुर की ओर एक वैगन आर गाड़ी जा रही थी जिसमें 6 लोग सवार थे। आमने सामने भिड़ंत हुई है। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। खरगोन के कदवाली में नदी उफान के दौरान कुछ बाइक सवार जान खतरे में डालकर नदी पार कर रहे थे। तेज बहाव में नदी पार करने में एक युवक बाइक सहित बह गया। इसके बाद ग्रामीणों ने किसी तरह युवक को बाहर निकाला। जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर भगवानपुरा थाना क्षेत्र के कदवाली में पहाड़ी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से आसपास के करीब 35 से 40 गांवों को जोड़ने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया। पुलिया पर बाढ़ के दौरान कई बाइक सवार जल्दी निकलने के चक्कर में बाइक सहित नदी पार करने लगे। एक युवक बीच में पहुंचा और बाइक सहित नदी में बहने लगा। लोगों ने शोर मचाया लेकिन तब तक युवक बाइक सहित बह गया था। युवक के बहने के बाद किसी तरह किनारे पर आया। ग्रामीणों ने उसकी मदद करते हुए बाइक सहित बाहर निकाला। बारिश थमी होने के कारण बहते युवक को बचाया जा सका। खरगोन से सलाम अंसारी की रिपोर्ट। मैं देखी नहीं बाहू कौन है मजर लू यहाँ पर मोबाइल फोन करो ले अच्छा भाई, ये तो निकल गए। पहले तो निकली भी नहीं, चली गई। पहले तो आगे चली गई बाहर। इस नाले एक साइन पता लगा ये सीढ़ी ब्लैक से ये बची है। एक गाड़ी में साइन चली गई बाहर के, एक बज गई यार। कूद रहे कम भाव था इस कारण गाड़ी कूद रहे, ये बज गए नहीं तो ये भी चली गई। ये गाड़ी तो निकल गई, एक तो निकली भी नहीं है। राजगढ़ जिले के शासकीय स्कूलों में शिक्षा के स्तर को लेकर चिंतित कलेक्टर मंगलवार को बालिका विद्यालय में खुद शिक्षक बन गई। इस दौरान कलेक्टर निधि निवेदिता ने अंग्रेजी में कमजोर 9वीं और 10वीं की लड़कियों को आधा घंटा अंग्रेजी व्याकरण की शिक्षा दी। राजगढ़ जिले में कलेक्टर निधि निवेदिता ने बादल पर पांव के तहत शिक्षा स्तर ठीक करने के लिए जिले में नवाचार की शुरुआत की है।
कलेक्टर निधि निवेदिता ने बताया कि शासकीय स्कूलों में शिक्षा के कमजोर स्तर को सुधारने के पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत 9वीं एवं 10वीं की बच्चियों के लिए अभियान के तहत अंग्रेजी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा रहा है। अचानक स्कूलों में निरीक्षण करने पहुंची कलेक्टर सुश्री निधि निवेदिता ने इस दौरान लड़कियों को एक वचन बहुवचन के विषय में विस्तार से समझाया। इस दौरान शिक्षक शिक्षिकाओं को भी पढ़ाई करवाने के गुर सिखाए। कलेक्टर की इस पहल की पूरे शहर में तारीफ की जा रही है। लोगों का कहना है कि इसी तरह समय निकालकर अन्य स्कूलों में भी बारी बारी से अचानक पहुंचना चाहिए ताकि शासकीय स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाया जा सके। अचानक आपके कन्या स्कूल में किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे? देखिए, शिक्षा का स्तर जो है वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा इस तरीके का है कि उसे प्रयास करने की आवश्यकता है। तो आज मैं हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है बादल पे पाव है, जिसमें हम जो 10th और 12th की जो ड्रॉप आउट लड़कियाँ हैं उन लोगों को कोच कर रहे हैं ताकि वो 10th और 12th के एग्जाम जो है पास कर सकें। मैं उसी का इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ पर आई थी। सो एज अ रूटीन मैटर मैंने सोचा कि जो दिक्कतें भी इन लोगों को आ रही है, जो 9th की बच्चियाँ हैं, इनका ब्रिज क्रॉस तक चल रहा था, तो मैंने सोचा कि इन लोगों से भी देखा जाए कि इनका क्या लेवल है और इनको थोड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश मैथ्स और फिजिक्स इन टीचर्स की काफ़ी स्कार्सिटी रहती है। खिलचीपुर से पुरुषोत्तम शर्मा की रिपोर्ट। रायगढ़ जिले के तमनार तहसील के ग्राम समकेरा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। रायगढ़ के विकासखंड तमनार के ग्राम पड़ीगांव चौक के पास आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार दोनों महिलाएं पालीघाट जंगल अपने घर में जलाने हेतु लकड़ी लेने जंगल गए थे। वे जब वापस आ रहे थे तभी अचानक रास्ते में ही आंधी तूफान गर्जना के साथ तेज बारिश चालू हो गई। इसी दौरान आकाशीय बिजली उन पर गिर पड़ी और दोनों की मौके पर मौत हो गई। तमनार पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। धार के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रुपेश द्विवेदी के जन्मदिन पर सभी पत्रकार कार्यालय पहुंचे और उन्हें बधाई दी। इस दौरान पत्रकारों ने रुपेश द्विवेदी को अपनी नई पारी शुरू करने के लिए ऑल द बेस्ट भी कहा। इस अवसर पर धार प्रेस क्लब सचिव डॉक्टर अशोक शास्त्री, सह सचिव संजय शर्मा सहित अनेक पत्रकार उपस्थित थे। धार से विजय बर्फा की रिपोर्ट। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।